हाँ, मेरे को ना अभी एक अच्छे से पंडित का सजेशन चाहिए, तो आप कमेंट करके एक अच्छे से पंडित का सजेशन बताना जो मुझे मेरे हवन करने में मदद करे, क्योंकि मेरे और बबलू के साथ जो हो रहा है, भाई जो नए व्यूअर हैं ये है मिस्टर बबलू, तो बबलू के साथ जो हो रहा है ना, मुझको एक्चुअली पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, लगता है शनि का दोष लग चुका हम दोनों के ऊपर। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में ये वीडियो डाल रहा हूँ और क्या है। हाँ जी, थोड़ा कैची है ना, अच्छा है, आई होप व्यू आए ज्यादा। बहुत तेज हो रहा है। वैसे आज होगा स्टोरी टेलिंग, नॉर्मल व्लॉग आज नहीं करने वाला, क्यों पता नहीं मन करा स्टोरी टेलिंग करो, तो इसलिए स्टोरी टेलिंग करो। अब बात स्टार्ट करते हैं कब, पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। जब आदि कैलाश से आ रहा था तो बबलू में क्या हुआ, क्लच प्लेट पूरा जल गया, तो पूरा असेंबली चेंज करना पड़ा, जिसमें लगभग मुझे 7-8 हज़ार का खर्च पड़ा, टोटल 7-8 थाउजेंड का। और ये मेरे साथ हुआ परसों, जब मैं आ रहा था न्यू टाउन से। आपने अगर ये वाला व्लॉग देखा होगा, एयरक्राफ्ट म्यूजियम वाला, तो न्यू टाउन से आ रहा था, तो अचानक से ना, मतलब इंजन के हेड के ऊपर, जब मैंने दक्षिणेश्वर वाला जब ब्रिज के ऊपर जब था, तो वहां एक कट 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 करके साउंड करने लगा, और एग्जैक्ट वहीं से मेरे को लगा कुछ तो खतरनाक हुआ है। तो मैंने गाड़ी को रोका, रोक के मैंने चेक करा कि क्या, मतलब शायद हो सकता है लेग गार्ड वगैरह ढीला हो गया होगा, नटवट इधर उधर हिल गया होगा, बट वैसा कुछ नहीं था, इंजन के हेड के ऊपर था। घर आते आते तो साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर मैं रात के 9:30 बजे के करीबन घर पे पहुंचा, 9 बजे के करीबन घर पे पहुंचा, तो वहां से तो अब जाना, मतलब सर्विस सेंटर जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं नेक्स्ट डे लेके गया। यही वाला साउंड है। फिर मैं सर्विस सेंटर में बाइक को दे के चलाया, क्योंकि उस दिन ना क्या हुआ, जो उसके जो चीफ इंजीनियर थे, जो चीफ मैकेनिक थे, वो नहीं आए थे, इसलिए अभी कोई देख के कोई बता नहीं सकता था कि गाड़ी में इशू क्या हुआ है। और इवन अगर वो जो प्रॉब्लम है, जो वो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इंजन में ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो पार्ट्स है कि नहीं, क्योंकि विदाउट पार्ट्स के वो लोग खोलेंगे नहीं, खोल दिए तो फिर गाड़ी फंस जाएगा। सो मैं चला है और आके फिर मैं अपने जो मेरा जो 220 है, 220 को लेके मैं गया लोकल गैराज में, क्योंकि 220 का जो पेट्रोल टैंक है उसमें पानी जम गया था, पानी चला गया था, काफ़ी ज़्यादा मिस फायर कर रहा था, उसको मैं ठीक कराने के लिए गया। फिर जी पूरा इतना पानी रहा टैंक में, इसमें और कितना होगा है? और कितना होगा इसमें, तो मेरे हिसाब से इसमें लगभग 1 लीटर के करीबन तेल है, 1 लीटर होगा। अलग लेवल का टेंशन है, कभी गाड़ी के साथ कुछ हो जाता है, कभी टंकी में पानी चला जाता है। तो गाइस, हां एटा पूछ रहा हूं, ये एटा फैक्ट, पानी का ज्यादा बहुत पानी है, मुझे लग रहा था 1 लीटर पेट्रोल है, बट एक्चुअली ना 1 लीटर से थोड़ा कम पेट्रोल है, उससे ज्यादा पानी का मिक्सचर हो चुका है। गाड़ी चल कैसे रहा था ये सोचने वाला बात है। एक्चुअली ना, अगर ये फ्यूल इंजेक्टर वाला होता है, FI वाला, तो चलता ही नहीं, ऐसा मेरे को कल पता चला। ये कार्बोरेटर वाला है इसीलिए चल रहा है। ओके, सो लास्ट का जो प्रोडक्ट है ना, ये इतना सारा गंदगी और इतना सारा पानी। फिर वहाँ से आके गाड़ी जब ठीक हो गया, जब लेके जब घर पे आया, फिर हम लोग बातें कर रहे थे, मैं और अमरेश, तब तक पापा आए। एक्चुअली पापा कल ऑफिस गए नहीं थे, कल घर पे ही थे, तो कल पापा आए, और कल पापा कल अच्छे खासे मूड में थे। हाँ, एक तो मेरा ये खत्म है, ऊपर से एक टूथपेस्ट लेना है, शैम्पू लेना है, बहुत सारी चीज है, गंजी पहन लेना। पापा कैमरे पे आने के लिए गंजी पहन ले, आओ है ना, आओ महाराज, मस्त एकदम सुतल बड़ा है, सोना भी तू नहीं, सोने भी नहीं देगा। अरे तो कहा, मैंने कुछ बोला? अभी तो बोल रहा है पूरा दिन खूब सोए हैं, तो सोने से भी मना कर रहा है। अरे माँ कहा बोला? अरे अभी तो बोले, अभी तो बोला। भाई चमचागिरी पे आ गया ये तो, मतलब अब पूजा भी इनका चमचागिरी करते करने लगी है, ये भी कर रहे चल रहा है। कौन करते, घर में ही ना करते, मैं क्या गड़बड़ किया? अब देखिए अंकल, वाह वाह वाह, मेरे से तो अच्छा पापा का हेयर हो गया है। ये बॉय, मेरा हेयर से इनका ज्यादा बेटर है। वाह, खूब बाल, खूब बालो बाबा। फिर ना मुझे सर्विस सेंटर से कॉल आया कि आप आइए यहाँ पे, आपका गाड़ी खुल चुका है, मतलब बेसिकली इंजन खुल चुका है, आप आके वो सिचुएशन देखिए।
तब एक्चुअली ना मेरे को डर था, ऐसे भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इंजन खुलना मतलब काफी ज्यादा फटका पड़ेगा। सो और क्या था, तो मैं चला गया सर्विस सेंटर की। किसे रोटा तो ये वाला टुकड़ा ना इसके अंदर से निकला है यहाँ से। अब ये नहीं पता ये किसका हिस्सा है, क्योंकि अब इसको खोल के निकालेंगे। ये जो शाफ्ट है ना, जो यहाँ का जो पिस्टन जो हेड है, मतलब पिस्टन शाफ्ट, ये उसको चलाता है, मतलब उसको घुमाता है। पिस्टन हेड होता है जैसे ऊपर नीचे करता है, वही शाफ्ट चलाता है फिर गाड़ी का वो हाल देखने के बाद ना मेरे आंसू थे, आंखों में नहीं, मेरे वॉलेट में। मेरा वॉलेट रो रहा था कि उसको बहुत जोर का फटका लगने वाला है। अभी तक मुझे पता नहीं कितने का लगने वाला है, पहले चेक होने के बाद समझ में आएगा। सो वहाँ से जो जब सर्विस सेंटर से निकले, अब ऑब्वियस बात है ना, अब हो गया मूड थोड़ा फ्रेश करना था, तो जो हम जो सर्विस सेंटर के पीछे वाला एरिया जहाँ पे मैं बाइक्स का मैं रिव्यू करता हूँ, वहाँ पे ना कुछ जामुन के पेड़ है, वो मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, और वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। सो मैं और अमरेश निकल गए वहाँ पे फ्रेश जामुन खाने, मतलब मार्केट से खरीद के नहीं, वहाँ से पेड़ से तोड़ के खाने के लिए हम लोग निकल गए उधर। ये रहा जामुन, अभी ये वाला कच्चा है बट इसके ऊपर में ना पक्का पक्का है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? ए हीरो चढ़ना पड़ेगा तुम्हें, चढ़ो यार, चढ़ जाएगा कच्चा, छोटा सा ना कच्चा वाला। कभी पेड़ पे चढ़े हैं? हाँ शहरी बाबू याद देख, वाह जी वाह, अरे यार मंकी लोग अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं भाई। ऊपर से ले पाओ भाई, हाँ अपना हाइट बहुत छोटा सा है, छोटू सा है। ये देखो ठाकुमार झूली में क्या क्या लाए हैं भाई साहब। देखो बचपन में ना मामा के घर में भाई ऐसे किया करता था, उस वो याद आ गया वो चीज पूरा। भाई कुछ भी बोलो, इसका एक अलग मजा है। मैं जब बचपन में जब अपने मामा के घर जाता था ना, तब वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, तो उस टाइम हम लोग जामुन के पेड़ पे चढ़ते थे, आम के पेड़ पे चढ़ते थे, और होता है आपका रस्प बेरी जिसको कहते हैं ना, उसको हमारे वहाँ बिहार में कहते हैं तूत कहते हैं उसको, उसका भी पेड़ होता है। एक्चुअली मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये चीज़ एक्सप्लेन करते हुए। तो बहुत तोड़ के खाया बचपन में, जब नाना नानी के पास जाते थे, आज नाना नानी इस दुनिया में नहीं है, तो वो मामा के घर जाना बंद हो गया, तो वो चीज़ मुझे याद आ गया। यहाँ पे पेड़ पे चढ़ा मैंने, अच्छे खासे मैंने तोड़े। तुम्हारा अभी तक खाना नहीं हुआ? अरे धीरे धीरे खा रहे, जल्दी खाएंगे तो खत्म ना हो जाएगा। छोड़ी बच्ची हो क्या? और जैसे बबलू रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है मेरा डोमिनार, सो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूंगा मेरे को कितना टोटल खर्च पड़ा और एग्जैक्ट क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। सो भैया आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको मेरा ये स्टोरी टेलिंग अच्छा लगा। अगर लगा है तो पता नहीं क्या करना, लाइक कर देना, और अगर तो आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, देखना तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा यार, सो इंतजार मत करो यार, सब्सक्राइब कर लो। सो इस नोट पर मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, रेस्पेक्टिव कंट्री। जय हिंद, बाय बाय। लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट का नहीं तो लास्ट वाले में, जब जहाँ पे वो एक्स वाला मैटर चल रहा था, तुमको मिठाई देने आया था, तो वहाँ पे जब रास्ते में जाते जाते तुम अपने एक्स के बारे में नहीं बता रहे थे, तो उसके बाद मैंने ये म्यूजिक डाल दिया। हाँ। तो एक कमेंट आया कि अरे भाई अब वो उस वहाँ मतलब उस वीडियो को कट क्यों की, वहाँ पे म्यूजिक क्यों चला है, अमरेश भाई को पूरा बोलने देते हैं।